समाज जिस संघर्ष को लेकर पूरे हिंदुस्तान में लड़ रहा था, आचार्य प्रवान सागर जी की एक वीडियो आई है और नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से एक आया है जिसमें बताया गया है कि जो जिस नोटिफिकेशन को लेकर जैन समाज आंदोलन था वो नोटिफिकेशन सरकार ने वापस ले लिया और शिखर जी को शुद्ध पवित्र तीर्थ क्षेत्र घोषित किया है। वह मांस शराब और कोई भी ऐसा पदार्थ जो जैन आमनाओं के खिलाफ हो उसकी बिक्री पर और उसके प्रयोग करने पर बैन लगा दिया है। इस पर सरकार का धन्यवाद करते हैं और तमाम सरकारों को चेताना चाहते हैं कि अगर जैन धर्म के किसी भी तीर्थ की तरफ कोई भी ऐसा षड्यंत्र से जाएगा तो जो एकजुटता जैन समाज ने पूरे देश में इस बार दिखाई है उसी एकजुटता के साथ उसका विरोध करने का काम करेंगे। बहुत धन्यवाद। अभी एक नोटिफिकेशन भूपेंद्र यादव जी के ट्वीट से और मीडिया के माध्यम से हमें मिला है जिसमें लिखा है कि जो इस नोटिफिकेशन पर विवाद था वो रद्द कर दिया गया है और शिखर जी को शुद्ध तीर्थ क्षेत्र घोषित कर दिया। आज तो खुशी का माहौल है, बहुत उत्साही माहौल है। केंद्र सरकार ने हमारी मांगों को स्वीकार कर दिया है और समय शिखर जी को पवित्र स्थल के रूप में घोषित कर दिया है। मैं माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और पूरी जैन समाज की ओर से माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। मोदी मोदी जिंदाबाद। मेरी यहीं से दोनों की बात की जो भारत के मंत्री हिस्सा बैठी और जो हमारे भूपेन्द्र मंत्री हैं भूपेन्द्र यादव उनसे निकलते हुए फोन आया, उनसे फिर हमारी बातचीत थी। बोले कि भैया पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा है और उनका कि हम इस बात को लेकर बहुत गंभीर है और बहुत जल्दी इसका निर्णय भाई इतनी जल्दी इसका निर्णय आ जाएगा कि उम्मीद हमको आपको किसी को भी नहीं थी। तो क्योंकि सरकार आपकी है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज के द्वारा निर्वाचित है, आपके द्वारा बनाए गए बहनों ने बेटे की बहुत कोशिश किया है, एक ही वोट आप लोगों ने डालने का काम किया है। सिग्नेचर लेंगे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने हमको अपने आज विधायक होने का आशीर्वाद सबने दिया, सबने प्यार दिया। योगी जी मुख्यमंत्री बने तो कोई शब्द नहीं है इसका धन्यवाद करने के लिए। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जैन समाज अलग अलग नहीं है, सरकार भी आपकी है और सरकार में जैन समाज भी आपका है, मोदी जी भी आपके हैं, योगी जी भी आपके हैं। हम और आप अलग अलग नहीं है। आपको जरा सा कांटा भी चुभेगा, आपके मन में जरा सी पीड़ा होगी तो मोदी जी तक वो बात पहुंचती है, योगी जी तक वो बात पहुंचती है। मैं पूरी हृदय गहराई से आपका धन्यवाद करता हूँ। चलो जी, ये सब खुशी में है, ये कोई रोको नहीं रोकने के लोग। आप सबका बहुत धन्यवाद है, इतना संघर्ष आपने किया और मैं तो अपने जीवन इतने दिन से मैं भी लगातार समाज के बीच में आता जाता हूँ क्योंकि मैं भी 80% में भी जैन तो लेकिन पहली बार मैंने इस प्रकार से आप सबको संघर्ष कर बहुत आपको बधाई देता हूँ कि ये मोदी जी ने वापस नहीं लिया, ये योगी जी ने वापस नहीं लिया, ये हमारे भगवान जी का